और प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, डिस्कशन प्रोग्राम है। आप चैट में उससे बात करते रहिएगा, उससे पूछते रहिएगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपका अगर सवाल का आंसर नहीं हुआ तो दोस्तों, ये है समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0, दिख रहा होगा आपको, करेक्ट। और ये PDF फाइल मैं सारे ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इस मीटिंग के बाद। ये आप सबको ये PDF फाइल मिल जाएगी, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम दोबारा आपको दे देंगे ये PDF फाइल, ठीक है। एक सेकेंड, आप नीचे आ जाओ भाई साहब, हम सीधा प्लान में आ रहे हैं। ये देखिए, इसको आपको अच्छे से समझना है। आपको बोलना तो आ गया 12 एरियाज ऑफ इनकम, ठीक है ना। तो 30% कंजम्पशन, 30% अप टू 30% रिटेल प्रॉफिट। हम इस पे आज बात नहीं कर रहे, हम डिस्काउंट्स पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मनी विच विल कम टू योर बैंक, हाउ यू विल गो फॉर अ फॉरेन ट्रिप, हाउ यू विल गेट योर कार एंड हाउ यू कैन मेक योर 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बोलते हैं 72% पे आउट। आप गिन लो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कंपनी 72% पे आउट देती कैसे है। पहला इनकम आपको दिख रहा होगा। हम आज रिज्यूम कर रहे हैं कि सारे 156 लोग 7% हैं और हम उसी तरह बात कर रहे हैं। आप कौन हो, मैं ये रिज्यूम कर रहा हूँ, यू आर अ बिगनर, आपको मोदी के प्लान के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो आपको क्या बताना चाहिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले आता है शॉर्ट फॉर्म APB एक्टिविटी परफॉर्मेंस बोनस, जो शुरू होता है 7% से और अपने 60% का। हम आपको आगे चल के सब कैलकुलेशन दिखाएंगे। जो उसके बाद जो दूसरी इनकम आपको आती है, जब आप बनते हो क्वालिफाइड डायरेक्टर, मैं फटाफट जा रहा हूँ इन सब बातों में, जो 4% पूल है। पूल का मतलब है कंपनी अपने टर्नओवर का 4% पैसा सारे डायरेक्टर को एक सिस्टमेटिक वे में बांटते हैं कि सबको इक्वल एफर्ट के हिसाब से इक्वल पैसे मिले। तो ये डायरेक्टर बोनस पूल को कैसे आपको पैसे आते हैं, ये आपको हम बताएंगे, कैलकुलेशन बताएंगे बिल्कुल। प्लीज पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा, मैं जब आगे बताऊं। तो जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो तो आपको डायरेक्टर बोनस पूल का हिस्सा नहीं मिलता, वहां से आपको मिलता है टीम बोनस पूल, जो 15% का पूल है, और आपको बिल्डर बोनस पूल भी मिलता है। ये टीम बोनस पूल किसको मिलता है, ध्यान रखिए, हर बात को सुनिए ध्यान से, सीनियर डायरेक्टर से लेके ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर तक सबको ये टीम बोनस पूल का पैसा मिलता है, ठीक। 6 नंबर इनकम, बिल्डर बोनस पूल। दोस्तों ये बहुत पावरफुल पूल है, 7% का पूल है, जो मिलता है सीनियर डायरेक्टर से लेके ओनली टिल प्लैटिनम, डायमंड अबव को ये पैसे नहीं मिलते, ठीक। डायमंड एंड अबव को बिल्डर बोनस पूल का शेयर नहीं मिलता, डायमंड एंड अबव को मिलता है डायमंड बोनस पूल, जो 2% पूल है, करेक्ट। सुनते जाइए, इसको समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सीनियर डायरेक्टर वालों लोगों को ट्रैवल फंड पूल भी मिलता है 2% का, जो आपको कभी भी आपके बैंक में नहीं मिलता। इसके जरिए आप मोदी करके फॉरेन ट्रिप्स को अवेल कर सकते हैं। और उसी तरह कार फंड पूल मिलता है, जब आप 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर को अपने टीम में क्रिएट करके 3 महीने मेंटेन करते हो, 4th महीने से कार फंड पूल मिलता है 5%। होम बोनस पूल मिलता है जब आप बनते हो क्वालिफाइड डायमंड डायरेक्टर फॉर 3 मंथ्स। और फिर जो हमारा 11वां नंबर इनकम है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल इनकम है, उसको बोलते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। और दोस्तों, आपका जो भी टाइटल है, जो भी लेवल है, आपको इस बोनस को अपने टीम में क्रिएट करने के लिए, अपने लिए, अपने टीम के डाउनलाइन लीडर के लिए ये बोनस क्रिएट करने के लिए आज से ही प्लान करना पड़ेगा। अपने टीम को इस तरह सजाओ कि उसमें LPB वाला बोनस आपको जनरेट हो, वही आपके चेक को कई गुना बढ़ा देगा और पावरफुल कर देगा। और दोस्तों, एक स्पेशल पूल आया है, फाउंडर बोनस पूल, जो डायमंड एंड अबव के लिए है। अगर कोई भी डायमंड डायरेक्टर बनता है इस साल फरवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए है, अगर कोई भी 6 महीना अपना डायमंड डायरेक्टर एंड अबव का टाइटल मेंटेन करता है, उसको 1% फाउंडर बोनस पूल का पैसा मिलेगा। यहां पर तक कोई सवाल तो मुझसे पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एनी क्वेश्चन यू कैन कम इन द चैट, नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
हम इसी को डिटेल में बात करेंगे। देखिए ये आपका एक्टिविटी परफॉर्मेंस बोनस का जो स्लैब है, आप इसको फोटो ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आप इसका एक प्रिंट लेके अपने जेब में रख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक इनकम है जो आपको हर एक को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जैसे ही आप अपना पहला बिलिंग करते हैं आपको उसके ऊपर में 7% का इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। 7% इनकम जब आप 300 पीवी क्रॉस करते हैं, 300 चाहे एक महीने में करें चाहे जितने महीने में करें, जिस महीने में आप 300 पीवी क्रॉस करेंगे, और ये पीवी ये है ग्रुप पीवी, ग्रुप आपके टीम का मिला के पीवी, अब आप तब आपको 10% इनकम आती है, 1200 पीवी क्रॉस करने में 13%, 2700 पीवी क्रॉस करने में 15%, जब आप 4000 पीवी क्रॉस करते हो आप 16% लेवल पे आते हो। ठीक, ये पीवी पे लिखा हुआ है, इसके साइड में आप देखिए पीवी में भी लिखा हुआ है, अगर आप इस पीवी को इनटू 27 मल्टीप्लाई कर दो पीवी वाला रेशियो आ जाएगा। ठीक, राइट साइड में एक फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम आपके आपको दिया हुआ है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए। बताइए जब भी कोई व्यक्ति, कोई मोदीगर कंसल्टेंट अगर वो 7% लेवल पे है या न्यू ज्वाइनी है या वो अभी 7% लेवल पे है, अभी 10 पे गया नहीं है, और वो एक महीने में 240 ग्रुप पीवी करता है अगर, तो वो 10% लेवल पे आ जाता है, यानी न्यू ज्वाइनी को 300 पीवी करने पे 10% मिलेगा, वो 240 पीवी करने पे ही मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जब आप फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में क्वालिफाई करते हो आपको 750 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे एक प्री सिलेक्टेड गिफ्ट फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। तो दोस्तों एक हमारा आगे है फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर, आप देख रहे होंगे डायरेक्टर बनने के लिए किसी को 4000 ग्रुप पीवी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी न्यू ज्वाइनी या ओल्ड ज्वाइनी भी अगर वो एक महीने में 3200 जीपीवी करता है ही और शी क्वालिफाइज एज फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर। ठीक, और एक फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर को 1,00,000 रुपए का फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। आई होप कोई सवाल नहीं है, अगर होता आप मुझसे मुझको लिख सकते हो। आई होप चैट ऑन तो है ना, आप लोग का एक बार हाई कर लो यार, कोई चैट अभी तक आया नहीं है। आई होप योर चैट इज वर्किंग, यस चैट ऑन है, फाइन। उसमें चेक कर रहा था चैट ऑन है ना, सारे बहुत खामोश थे। तो आइए आगे चलते हैं, ये आई होप मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ। तो दोस्तों हम इसमें डिटेल में नहीं आते, मैं आपको जब पीपीटी चलाऊंगा तो मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा। आप 7 से 16% एपीबी कमाते हो और हम अज्यूम करते हैं आप बन गए 16% लेवल पे, तो आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है जब आप 4000 पीवी कंप्लीट करते हो, आप डायरेक्टर बनते हो। लेकिन डायरेक्टर बनने का दो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, तो आपके पूरे टीम का जीपीवी एक महीने में 1100 होना चाहिए, अगर बीवी में बात करो तो 29700 ग्रुप बीवी होना चाहिए। इट कैन बी रोल अप, इट कैन बी पीजी बीवी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके टीम का 1100 जीपीवी या जीबीवी होता है, यू आर अ क्वालिफाइड डायरेक्टर। अपना 30 पीवी करना मत भूल जाइएगा, अदरवाइज यू विल नॉट क्वालिफाई। जब आप डायरेक्टर बोनस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एपीबी का इनकम तो मिल ही रहा है, 7 से 16% वाला जो इनकम है वो तो आपको मिल रहा है। आपको इनकम नंबर 2 आता है आपके बैंक में, जो डायरेक्टर बोनस पूल का हिस्सा होता है, 4% डायरेक्टर बोनस पूल का हिस्सा। अभी बहुत से लोग को शायद ये कैलकुलेट करना नहीं आता होगा, यहाँ पर कोई है जिसको नहीं आता तो मैं बताऊ वरना आगे बढ़ जाऊं, कोई कुछ तो नए बंदे होंगे। तो देखिए आपका जितना, वैसे हम आगे आपको पीपीटी में दिखाएंगे, फिर भी आप याद कर लो, जितना भी आपका ग्रुप बीवी हुआ, हम ग्रुप बीवी की बात कर रहे हैं, इनकम हमेशा बिजनेस वॉल्यूम पे कैलकुलेट होता है। बीवी को ग्रुप बीवी में कन्वर्ट करते हैं 27 से मल्टीप्लाई करके और फिर आता है। तो जब आप डायरेक्टर बनते हो और आपका जितना ग्रुप बीवी है, यहाँ पे देखिए 7, 4, 11, 12, 13, 14,
1400 ग्रुप पीवी है, 1400। हाँ, तो 1400 ग्रुप पीवी को आप 27 से मल्टीप्लाई करिए, ग्रुप पीवी आ जाएगा, ठीक है। और उस ग्रुप पीवी को आप 6 से मल्टीप्लाई करिए। आप बोलो 6 से क्यों, ये फिक्स्ड है। डायरेक्टर, जो डायरेक्टर बनते हैं उनको 6% का डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलता है, पैसे नहीं मिलते, पॉइंट पैसे में कन्वर्ट होता है। तो आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट 6% मिलता है सारे डायरेक्टर्स को। अच्छा, उसके नीचे कोई डायरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि नहीं तो वो सीनियर डायरेक्टर बन जाता। तो इसलिए आपको आपके टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का 6% आप निकाल लो, वो आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट आ गया। उस पॉइंट से आपका डायरेक्टर बोनस चेक कैलकुलेट होगा, जो आपको हम जल्दी आगे चलते हैं, आपको हम दिखाएंगे आगे हमारे पीपीटी प्रोग्राम में। उसके बाद आता है अगला इनकम, टीम बोनस पूल। देखिए, टीम बोनस पूल क्या है, डायरेक्टर बोनस मैं बैक जा रहा हूं, डायरेक्टर बोनस पूल कंपनी ने क्या किया है, 4% रखा है। ये खाली डायरेक्टर देता है, एसडीएन अबव को नहीं देते है। कंपनी चाहती है मोदी केयर की डायरेक्टर्स को ज्यादा पैसे मिले, तो 4% पैसा भाई डायरेक्टर खरीद तेरे में बटेगा, ओनली ऑन यू। जैसे ही तुम सीनियर डायरेक्टर बनोगे या ऊंचे डायरेक्टर पे जाओगे, आपको डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा, आपको टीम बोनस मिलेगा। लेकिन ये टीम बोनस किसमें बढ़ता है, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड एंड ग्लोबल रेड डायमंड, इस सारे लोगों में ये 15% टीम बोनस पूल बटेगा। अब कैसे बटेगा, आपको पहले टीम बोनस पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। टीम बोनस पॉइंट कैसे निकालोगे, ये देखिए यहाँ पे चार्ट, इस चार्ट को आपको याद रखना जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चार्ट का फोटो ले लो, अपने पास रखो, ये पीपीटी में आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में नहीं है तो। देखिए, जो सीनियर डायरेक्टर है उसको सेल्फ और दो लेवल तक ही मिलता है। जो सीनियर डायरेक्टर है उसको अपने खुद के बिजनेस पे, इसको सुन लो, आपको पीपीटी में और क्लियर हो जाएगा, सेल्फ पे 6% का पॉइंट मिलता है। उसके फर्स्ट जनरेशन में अगर कोई सीनियर डायरेक्टर है या जो भी टाइटल का बंदा है, उसके ऊपर 5% मिलता है। सेकेंड जनरेशन में 4% मिलता है, और अगर थर्ड जनरेशन है तो उस पर नहीं मिलता है। यानी सीनियर डायरेक्टर को सेल प्लस 2 पे ही मिलेगा। जैसे ही आप ईडी बनते हो, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपको सेल प्लस 3 मिलता है, यानी आपको ज्यादा डेप्थ तक पॉइंट मिलते हैं, यानी आपको ज्यादा पैसा आएगा, करेक्ट। एसईडी बनने से आपको देखो 1, 2, 3, 4 हो गया, सेल प्लस 4 हो गया। प्लेटिनम में सेल प्लस 5 हो गया, डायमंड में सेल प्लस 6 हो गया, और ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर में सेल्फ प्लस आपको 9 जनरेशन तक पैसा मिलता है, समझ रहे। तो ये हम इस चार्ट के हिसाब से और आपके टाइटल के हिसाब से आपका कितना आपने पॉइंट हुआ आपका, उस पॉइंट के हिसाब से उसका जो वैल्यू निकलता है, आपको बाकी सारे इनकम मिलते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको तो प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आए तो दोबारा समझना, अपलाइन से पूछना, लेकिन इसको जरूर समझना, इसको बाईपास मत करना। तो ये टीम, तो याद रखना, टीम बोनस पॉइंट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके अब आगे के सारे इनकम को कैलकुलेट करेगा, सारे इनकम को। तो टीम बोनस पॉइंट आपका निकल गया टोटल बिजनेस का, और जितना भी वैल्यू आया टीम बोनस पूल का, वो ये इनकम मिलेगा। अभी आपको इसके बाद मिलता है बिल्डर बोनस पूल। सेम स्टोरी है, जितना आपका टीम बिल्डर बोनस पॉइंट आया और इसका जो इंडेक्स वैल्यू आया, इसका जो पॉइंट का वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि देखिए ये 7% पूल है, ये खाली प्लेटिनम तक है, यानी इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, ये ज्यादा बड़ा पैसा हो जाता है। इसके बाद आता है डायमंड बोनस। दोस्तों, डायमंड बोनस का भी सिस्टम तो वही है, आपका जितना टीम बिल्डर बोनस पॉइंट हुआ और जितने भी डायमंड बने हुए हैं उनको 2% पूल का जितना भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा, करेक्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, मैं दोबारा भी बता दूंगा और तिबारा भी बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, समझ में तो आएगा। मुझे नहीं आ रहा, मुझे भी 5-7 बार नहीं आया था मेरे दोस्त, 5-6 बार के बाद ही मुझे समझ में आया।
पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो इसलिए आपको 5 बार इसको अटेंड करना पड़ेगा, शायद आप 3 बार में समझ जाओ। सेम स्टोरी ट्रेवल फंड पूल का है, आपका जो टीम बिल्डर बोनस पॉइंट निकला उसके बाद इसका जो वैल्यू आया उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। अभी मैं पीपीटी चला रहा हूँ, आपको और क्लियर होगा, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखिए। कार फंड, कार फंड के लिए दोस्तों ये ध्यान रख लो, अगर आपको गाड़ी लेनी है, जरूर लेनी होगी, आपको बनना पड़ेगा क्वालिफाइड सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और आप जैसे ही इसको पहली बार बनते हो, फर्स्ट टाइम, आपको इसको लगातार 3 महीने मेंटेन करना पड़ेगा, कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव, आप पढ़ना, इसमें सब लिखा हुआ है, कॉन्सिक्यूटिव 3 महीने आपको मेंटेन करना पड़ेगा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 4वें महीने से आपको कार फंड का पैसा बनना शुरू होगा, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, वो आपके नाम से जमा हो जाएगा, और जिस दिन आप गाड़ी लेंगे उस दिन पैसा आपको रिलीज हो जाएगा। सेम थिंग गोज फॉर होम बोनस पूल, जैसे ही आप क्वालिफाइड डायमंड डायरेक्टर बनते हैं पहली बार और उसको 3 महीने मेंटेन करते हैं कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स, आपको 4वें महीने से होम बोनस पूल मिलना शुरू हो जाएगा। द गुड पॉइंट इज ये आपके चेक के साथ आपको कंपनी रिलीज कर देगी, इसको होल्ड नहीं करेगी। अभी आता है दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, ये 17% पूल है, ये सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को मिलता है, देखिए, और इसका चार्ट भी अलग है। जैसे बाकी सारे इनकम का हम लोग टीम बिल्डर बोनस चार्ट से उसका पॉइंट निकालते हैं, उसी तरह लीडरशिप बोनस के लिए हम उसका अलग चार्ट है, उसका सिस्टम अलग है। तो आप देखिए जो सीनियर डायरेक्टर है, हाँ, अगर उसका एक LPB लैक बना है, LPB शॉर्ट में बता रहा हूँ, LPB लैक बनाने के लिए 1 लैक का 1 महीने का वॉल्यूम 3600 GPV होना चाहिए, उसको बोल सकते हैं 97,200 BV होना चाहिए। याद रखिएगा कभी भी जब एक्स्ट्रा PV आता है तो उसको मत पकड़िएगा, बिकॉज वो कैलकुलेट कभी नहीं होता 3600 GPV में, तो आप पकड़िएगा 97,200 GPV। इस 3600 को 27 से मल्टीप्लाई करिए तो GBV आ जाएगा 97,200। आई होप आई एम नॉट वेरी फास्ट। तो जब आप सीनियर डायरेक्टर होते हो आपको सेल्फ के PGBV का, अभी मेरे वर्ड्स को याद रखिएगा, PGBV, अभी ये PGBV की स्टोरी शुरू हो गई यहां से, ठीक है, प्योर ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, अभी आपको प्योर ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर में ही ये कैलकुलेट होगा। तो सेल्फ पे 5% और आपके नीचे फर्स्ट जनरेशन में जितने SD है उसका 5%, ED को देखिए सेल्फ प्लस 2 जनरेशन, SED को सेल्फ प्लस 3 जनरेशन और GADD को सेल्फ प्लस 8 जनरेशन। तो ये आपका LPV कैलकुलेशन है। और फाउंडर पूल के लिए आप चिंता मत करिए, आप 6 महीने मेंटेन करिए, कंपनी अपने आप हिसाब बना के आपको 1 साल बाद आपका पैसा भेज देगी, लेकिन ये डायमंड एंड अबव को ही मिलेगा। अपना डायमंड टाइटल मेंटेन करिए, उसको 12 महीने में 6 महीने मेंटेन करिए, 1 साल बाद आपको बहुत बड़ा पैसा आएगा। जब ये पैसा आएगा ना बहुत बड़ा होगा, ये एनुअल, ये 1% पर मंथ का है, लेकिन आपको 1 साल 12 महीने का देगी, तो शायद लाखों में आ सकता है। तो ऑल डायमंड्स गेट रेडी फॉर दिस पूल, ये आपको दिसंबर एंड होने के बाद जनवरी या फरवरी में मिलेगा, करेक्ट। अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। ये समीर मोदी आजादी प्लान का PDF फाइल है, ऑफिशियल PDF फाइल, और जो मैं इस मीटिंग के बाद आपके सारे ग्रुप में भेज दूंगा, उसको थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, डिस्कस करिएगा, ठीक है। अभी हम आते हैं हमारे इनकम कैलकुलेशन में। दिस हैज बीन मेड बाय अ वेरी सीनियर लीडर फ्रॉम माय टीम, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, थैंक यू रजा साहब जी फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल PPT। ये मैं आपकी PPT से ही ये लोग को बता रहा हूँ, ये देखिए। आइए हम सीधा आगे कैलकुलेशन पे, आपको दिख रहा होगा पहला इनकम आएगा आपको APB, हाँ, 1 PV 27 BV, उसको सदा ध्यान रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। यहां पर आपका, आपने 100 PV किया, एग्जाम्पल 100 PV किया, 27 से मल्टीप्लाई करिए, 2700 PV आ गया,
आप 7% लेवल पे हैं, ठीक, आपका पहला महीना है मे भी, तो आपको 2700 बीवी का 7% 189, आपका चेक 189 का है, आपका चेक 189 का है, समझ में आ गया आपको, आपका पर्सनल, इसको बोलते हैं पीवी यानी पर्सनल वॉल्यूम, और ग्रुप पीवी मतलब पूरे ग्रुप का वॉल्यूम, तो आपको ये 7% 100 पीवी के ऊपर मिलता है ईयर पे। जिस महीने आप 10% पहुंच जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, आप 10 पे जाएंगे, फिर 13 पे जाएंगे, फिर 15 पे जाएंगे, फिर 16 पे जाएंगे, अगर आप 10 पे जाते हैं और आपने पर्सनल 100 पीवी किया है, तो 100 पीवी इंटू 27 इंटू 10% 270 रुपए, 13% जाएंगे, 100 पीवी इंटू 27 इंटू 13% 351, और जब 16 पे जाएंगे तो 100 पीवी इंटू 27 आपका पीवी आ गया इंटू 16% 432, यानी अगर आपने अपना 100 पीवी किया और 16% पहुंच गए तो आपको 432 रुपए तो 100% आ गए, है ना, बढ़िया सा। आइए आगे चलते हैं, अभी आपका एपीवी चल रहा है दोस्तों, अभी यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, आपका प्लस आपके डाउनलाइन का ऊपर भी आपको इनकम मिलेगा, तो आपका पीवी 100 है और आपके नीचे 4 जन ज्वाइन किए हैं, 100 100 100 100, ये चारों जन 7% पे हैं, आपका टोटल ग्रुप पीवी हो गया 500, आप आ गए 10% लेवल पे, राइट, समझ में आ रहा होगा। अभी आप 10% पे हो तो आपको 100 पीवी का आपको 10% पैसा उन्होंने कैलकुलेट किया, देखिए 270 रुपए, लेकिन मजा क्या है ना, आपको आपके डाउनलाइन के ऊपर में डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इनकम, वो कितने में है, 7% पे, आप कितने पे है, 10% में, कितना गैप है, 3% का, आपको इनके बिजनेस का 3% पैसा मिलेगा, यहाँ पर इनका भी 3% है, इनका भी 3 है, इनका भी 3 है, इनका भी 3, ये देखिए यहाँ पर टीम ए पे आपको 3% मिल रहा है, कितने पॉइंट पे मिलेगा, 100 पीवी, कितना हुआ, 2700 पीवी, तो 2700 पीवी इंटू 3%, इन चारों पे देखिए 81 81 81, आपका चेक हो गया 594, ये आपका पहला इनकम स्टार्ट हुआ ऑन योर टीम। अच्छा दोस्तों यहां तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आना चाहिए, वरना मुश्किल है भाई, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पे, डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन। देखिए जब आप 16% पहुंच गए, हर एक का गोल होना चाहिए बिगनर का कि मैं जल्दी से जल्दी 16% में पहुंचूं, ये तो मेरा नुकसान हो रहा है, और नंबर टू 16% पे पहुंच के मैं मिनिमम कम से कम अपने टीम का 1100 पीवी जरूर कर लूं, ताकि मेरा डायरेक्टर बोनस का नुकसान नहीं हो, करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों चीज कर लिया, इन्होंने 100 पीवी किया, इनके 4 टीम है, इनके नीचे भी लोग लगे हुए हैं, तभी जीपीवी लिखा हुआ है, ग्रुप पीवी, इनका ग्रुप पीवी 400, इनका ग्रुप पीवी 350, इनका ग्रुप पीवी 100 और 150, ये टोटल ग्रुप पीवी टोटल पॉइंट वॉल्यूम हो गया 1100, एंड इनको हम बोलते क्वालिफाइड डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर। अभी देखिए आपको इसमें कैसे मिल रहा है, परफॉर्मेंस बोनस तो वही सिस्टम पुराना सेम ही है, तो इस पे नहीं जा रहे, आपको आपको 100 पीवी पे मिल गया 432 रुपया, ठीक है, बहुत पावरफुल इनकम है ये परफॉर्मेंस बोनस। देखिए ये टीम ए है जो इसने 400 ग्रुप पॉइंट किया इंटू 27 करिए, और ये 10% पे है, आप 16 पे है, आपको 6% गैप मिल रहा है, 648 आपको मिल रहा है टीम ए पे, 567 मिल रहा है टीम बी पे, 243 टीम सी पे, और 364 टीम डी पे। आपका फोटो ले लीजिए, आपको समझ नहीं आया तो बैठ के हिसाब समझिए, ये गणित समझना जरूरी है आपको। तो ये आपका एपीबी इनकम हो गया, एपीबी इनकम, लेकिन आपको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा। डायरेक्टर बोनस का कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ 1100, उसको कन्वर्ट करते हैं 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीवी आ गया ग्रुप बीवी, पीवी को बीवी में कन्वर्ट कर दिया 27 से मल्टीप्लाई करके, और डायरेक्टर को फिक्स्ड है, उसको 6% के हिसाब से पॉइंट मिलेगा, तो इसका 6% होता है 1782 पॉइंट्स। आप इसको चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में कि 1100 को 27 से मल्टीप्लाई करो,
6% करो 1782 पॉइंट आ गया। ठीक है, ये पैसे नहीं आए, ये पॉइंट आया। पॉइंट अभी पैसा बनेगा। अभी कंपनी हर महीने अपने हर पूल वाले इनकम का इंडेक्स अनाउंस करती है। तो एवरेज में जो इंडेक्स आता है वो हम बता रहे हैं, एवरेज में डायरेक्टर बोनस का एक पॉइंट का वैल्यू ₹1 से ज्यादा आ गया, ₹1.20 आ गया। तो आपका डायरेक्टर बोनस कितना हुआ, 1782 पॉइंट × ₹1.20। तो आपका डायरेक्टर बोनस इनकम हुआ 2138। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको टोटल करके एज अ डायरेक्टर आपका चेक आया 4392। आपने मिनिमम बिजनेस किया है लेकिन 1100 पीवी। यहां तक कोई सवाल हो तो बताओ मेरे को, आपको ये समझना जरूरी है दोस्तों। पीवी के बारे में एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर क्या बोलूं सीमा जी। देखिए एकदम बेसिक आपको एक बार फिर से अपने अपलाइन के साथ बैठ के पीवी बीवी समझना पड़ेगा। मैं तो अभी खाली कैलकुलेशन बता रहा हूं, ठीक है। अभी हम आ गए सीनियर डायरेक्टर कैलकुलेशन में, अभी ये तो डिफरेंट हो गया। अब देखिए यहां पर ये आप हो, आपने 100 पीवी किया, आपके ए भाई साहब बन गए डायरेक्टर, उनका 1100 पीवी हो गया और वो 16% पे आ गए। आपके ये बी है, ये सी है, ये डी है। याद रखिएगा हर टाइटल का एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। जैसे सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया, आपके नीचे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर होना चाहिए, और इनके अलावा जो आपका बैलेंस बिजनेस है, बैलेंस ग्रुप पीवी, वो मिनिमम 900 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 300, 300, 600, 700, 800, 900 पूरा 900 है भाई साहब, बहुत स्मार्ट है, पूरा हिसाब किताब करके किए है, एक न कम न ज्यादा, स्मार्ट। तो एक डायरेक्टर प्लस 900 पीजीपीवी, ये जीपीवी भी हो सकता है, मैं बता दू पीजीपीवी ना भी हो, ग्रुप पीवी हो, तो भी आप क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, करेक्ट। यहाँ पे हमने इसको पीजीपीवी पकड़ा है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। अभी आप जब सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो आपको एपीबी तो मिलेगा ही, एपीबी यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में पकड़ लिया, हिसाब करके अलग से ₹1890 होता है। कैसे आएगा आप देख लो, आप वो 16% पे, ये है 10% पे, 10% पे, 7% पे, आपको हम लोग सिखा चुके हैं, प्रैक्टिस कर लो। अभी आपको बाकी इनकम कैसे आएंगे, आपको हम निकालेंगे आपका पॉइंट कितना हुआ, टीम बिल्ड टीम बोनस पॉइंट कितना हुआ, वो निकालेंगे, वो निकालना जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे, आपका डायरेक्टर लेग हुआ 1100 का और आपका पर्सनल हुआ, पर्सनल साइड लेग हुआ 900 का। तो 900 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे पीवी इंटू बीवी इंटू 6%। अब ये 6% कहां से आया, उस चार्ट में लिखा हुआ है, मैंने जो चार्ट दिखाया था आपको सीनियर डायरेक्टर एंड अबव वाला चार्ट, उसको रेफर करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सेल्स के ऊपर में मिलता है 6%, 1458 पॉइंट हुआ। आपके फर्स्ट जनरेशन डायरेक्टर पे मिलता है 5%, वो 1485 पॉइंट हुआ, यानी आपका टोटल पॉइंट हुआ 2943। आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा हाउ टू टेक आउट माय टीम बोनस पॉइंट्स। तो ये उसका फॉर्मूला है, और उस चार्ट के हिसाब से सेल्फ पे 6%, जनरेशन 1 पे 5%, करेक्ट। अभी आपको तीन तरह का इनकम मिलेगा, आपको ट्रैवल फंड मिलेगा, बिल्डर बोनस मिलेगा, टीम बोनस मिलेगा। जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो एक्चुअली आपको चार इनकम मिलेगा, आपको एपीबी मिलेगा नंबर वन, नंबर टू मिलेगा आपको टीम बोनस, नंबर थ्री मिलेगा बिल्डर बोनस, नंबर फोर मिलेगा ट्रैवल फंड, ये याद रख लो, करेक्ट। अभी आपका पॉइंट तो निकल गया 2943 टीम बोनस पॉइंट, आपका ये हम लोगों ने एपीबी भी हिसाब लगा लिया जो आपको सिखाए उस सिस्टम से। अभी हर इनकम का अलग अलग इंडेक्स वैल्यू होता है, क्योंकि उसका परसेंटेज अलग अलग है। ट्रेवल फंड पॉइंट 2% ही है, बिल्डर बोनस पॉइंट 7% है, ठीक है। तो यहां देखिए ट्रेवल फंड का एक अप्रोक्स इंडेक्स वैल्यू 12 पैसे है एक पॉइंट का वैल्यू, बिल्डर बोनस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 62 पैसा, और टीम बोनस का वैल्यू है 88 पैसा।
करेक्ट। यहाँ पे इन तीनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, एक रुपया 1.62 आपका तीनों इनकम का टोटल आ गया। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, 2943, ये देखिए यहाँ किया हुआ 2943 इंटू 12 पैसा 353 रुपीस, 2943 इंटू 62 पैसा 1824 आपका बिल्डर बोनस हो गया, 2943 इंटू 88 पैसा 2518 आपका टीम बोनस हो गया। तो ये टोटल आपका हो गया 6656। तो एज अ सीनियर डायरेक्टर आपका इनकम 6,6, और हम लोग आपको मिनिमम वैल्यू पे दिखा रहे हैं, मिनिमम 1100 का डायरेक्टर, मिनिमम 900 पॉइंट का, तब आपको ये इनकम आ रहा है। अच्छा कोई डाउट लग रहा है कि अच्छा कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ 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 एक टू एक टू हाँ गुड आ गई। तो दोबारा करेंगे हम लोग कोई थर्सडे को, डोंट वरी। आइए आगे चलते हैं, अभी आएगा मजा। अभी हम लोग इनकम कितना दिखा रहे हैं आपको, 26,800। पहले इनकम देख लो तो दिमाग में घुसेगा 26,000 कैसे आएगा, ये देख लो। टाइटल क्या, सीनियर डायरेक्टर है, टाइटल चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ वो दिखाते हैं आपको। ये आपके जो डायरेक्टर था, अभी ये जो लेग है ये डीप पे ग्रो कर गया। अब देखो इस लेग को देखो, लेग नंबर ए, लेग नंबर ए में सबसे नीचे ये भाई साहब, ये ए है, ये ए वन है, ये ए टू है, ऐसे पकड़ लो। ए टू बन गया डायरेक्टर और उसका ग्रुप पीवी है 1500। गुड गुड डायरेक्टर, 1100 वाला नहीं है, थोड़ा सा बेटर डायरेक्टर है। इसके ऊपर वाला बंदा बन गया सीनियर डायरेक्टर, उसने साइड में 1100 पॉइंट कर लिया, 900 करना चाहिए 1100 कर लिया, वेरी गुड। और इन्होंने साइड में 1000 कर लिया, ये भी बन गया सीनियर डायरेक्टर। मजा क्या हुआ, आपका इस लाइन का टोटल हो गया 3600 ग्रुप पीवी। देख लो 1500 और 1100, 2600, 3600। जैसे ये मैजिक नंबर 3600 ग्रुप भी आपका एक लेग में होता है, आपको बाकी इनकम तो मिल ही रहे थे, आपको ट्रेवल फंड मिल ही रहा था, बिल्डर बोनस मिल रहा था अभी भी मिलेगा, आपको टीम बोनस मिल रहा था अभी भी मिलेगा, एपीबी मिल ही रहा था, आपके पास क्या जुड़ गया, हमारा सबसे धमाकेदार इनकम LPP, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। किसको मिलता है, सीनियर डायरेक्टर को मिलता है। क्या करने से मिलता है, 1,3600 का बनाने से मिलता है, ठीक। तो अभी हम लोग क्या किए, ये तो मैं आपको बता चुका, सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ट्रेवल फंड निकाल लिया इनका, पहले इनका टोटल पॉइंट निकाल लिया, इनका कितना पॉइंट हुआ, समझ रहे इनका पॉइंट कैसे निकाला, ये देखिए इनका पॉइंट ऐसे निकाला, आपको मैंने समझा चुका। इसी तरह यहाँ पे इनका पॉइंट हुआ 3996, क्यों हुआ, थोड़ा बिजनेस ज्यादा हुआ, ठीक है। ये देखिए यहाँ निकालते हैं इनका पॉइंट, इनको अपने ये 3, 3, 6, 2, 8, 900 पे इनको 6% मिला। फर्स्ट जनरेशन में इनके ये डायरेक्टर है, फर्स्ट जनरेशन डायरेक्टर, 1000 पे इंटू सब इनको 5% का पॉइंट मिला। इनको सेकेंड जनरेशन में मिलेगा, सेकेंड जनरेशन हुआ ने एक साइड में कितना किया, 1100 किया, उस पे 4% मिला। इनको थर्ड जनरेशन नहीं मिला क्योंकि इनका इंटाइटलमेंट दो जनरेशन ही है, सेल्फ प्लस टू। आप समझे कैसे मालूम पड़ेगा, वो चार्ट को देखिए, आप चार्ट को देखिए, जो आपको चार्ट दिया था मैंने, डायरेक्टर बोनस टीम बोनस वाला चार्ट जो उस प्लान में है, ठीक है। तो अभी इनका टोटल पॉइंट हुआ 3996 इंटू 12 पैसा ट्रेवल फंड इंटू 62 पैसा बिल्डर बोनस इंटू 88 पैसा टीम बोनस, तो ये इनकम इनका हुआ 8362। लेकिन इनका एलपीबी लग गया, तो एलपीबी पॉइंट निकाला गया इनका। एलपीबी पॉइंट कैसे निकालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एलपीबी पॉइंट का भी चार्ट दिखाया था मैंने आपको, दो चार्ट दिखाया था, एक टीम बोनस का चार्ट, एक एलपीबी का चार्ट। उसमें था पीजीपीवी पे मिलेगा 5% सेल्फ पे, तो इनका सेल्फ 900 है इंटू 27 इंटू 5% 1215 पॉइंट। और इनके फर्स्ट जनरेशन जो एसडी हैं, इनके फर्स्ट जनरेशन एसडी पे पीजीपीवी मिलेगा 5%। तो इनके फर्स्ट जनरेशन में ये सीनियर डायरेक्टर हैं, इनका 5% मिल गया। और गुड न्यूज, बहुत ही बड़ा गुड न्यूज, कंपनी आप जब एलपीबी करते हो आपको
3600 पॉइंट गिफ्ट में देता है, फ्री में देता है, फ्री में। तो आपका टोटल पॉइंट कितना हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस 6165 पॉइंट। इसका वैल्यू बहुत हाई है बॉस, इसका वैल्यू 3 रुपए चला जाता है, 2.80, 2.90, 3। अगर 3 रुपए पकड़े तो आपका 18495 रुपया लीडरशिप पॉइंट में। तो आपका टोटल इनकम कितना हुआ, 18495 प्लस 8362 26857। थोड़ा थोड़ा समझ में आया दोस्तों, समझ में आया पहले पैसा क्या। सो सुष्मिता क्या बोल रही है, एक टू, डोंट वरी, पूरा भी आएगा, डोंट वरी, आएगा। सो दोस्तों ये अब हम इस तरह आगे चलते हैं, फास्ट चलते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद अ एलपीबी लेग, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पर एग्जांपल चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ये इनका टाइटल सीनियर डायरेक्टर है क्योंकि नीचे 3 डायरेक्टर है। तो इनका कितना इनकम आता है ये देखिए आप, इसका इनकम आ गया 35650। अब वो कैसे आ गया ये देखिए, इनका ऑन पीजीबीवी पे इनको मिला 5%, फर्स्ट जनरेशन में 5%, इनको सेकंड जनरेशन ही मिल गया। ये देखिए ये फर्स्ट जनरेशन, सॉरी ये खुद का हो गया 300 पीवी, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन और ये हो गया सेकंड जनरेशन। आपको सीनियर डायरेक्टर के पीजी पीवी पे ही मिलता है, राइट। तो ये देखिए इनके खुद पे मिला 5%, फर्स्ट जनरेशन पे 5%, सेकंड जनरेशन पे 5%, और कंपनी से गिफ्ट 3600 पॉइंट। इनका टोटल पॉइंट हो गया 6840, तो इनका एलपीवी हो गया 20520। और उसी तरह इनका ये बाकी इनकम कैलकुलेट हुआ, इनका इनकम आ गया 35650। दोस्तों अभी कहानी बनती है, ये एसीडी जब ये अपना दूसरा लेग एलपीबी करते हैं सेम तरीके से कि ये 3600 पॉइंट का लेग है, दूसरा लेग भी 3600 पॉइंट का हो गया, करेक्ट। तो आपको लेग वाइज कैलकुलेट किया तो आपका टोटल पॉइंट बढ़ गया, आपका इनकम 59400 आ गया। तरीका बिल्कुल सेम है, सेम वे। आपको थोड़ा ये मैथमेटिक्स है, अपने पेपर पेन लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दोबारा इसको समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब आपका एक मिनट, जब आपका 3 एलपीबी लेग हो गया, 3 यहाँ देखिए हम लोगों ने आपका 3 एलपीबी दिखा दिया, तो आपको कितना इनकम आ गया, आपका इनकम आ गया 83150। क्या फर्क पड़ रहा है, एक तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, दूसरा आपका एलपीबी इनकम बहुत तेज गति से बढ़ जा रहा है। आपको पहले आईएसबी दिखाते हैं, आपके फर्स्ट जनरेशन में ये 3 लोग हैं, सेकंड जनरेशन में ये 3 लोग हैं, आपको इन सब के पीजीबीवी को कैलकुलेट किया गया पॉइंट, देख रहे हैं आप। फर्स्ट जनरेशन में ये देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 1000 1000 1000, 1100 1100 1100, और आपका खुद का है 300, ये समझ लीजिए खाली आप। चलिए ये देखिए आपका पर्सनल 300 पॉइंट हुआ, इंटू 17 इंटू 6%, ये पॉइंट मिला आपको। सॉरी हम सीधा एलपीबी में आते हैं, 300 पे 5% मिला। आपके फर्स्ट जनरेशन पे कितना हुआ, 3000 हो गया, 1000 1000 1000 इंटू 5%। सेकेंड जनरेशन 1100 1100 1100 यानी 3300 हो गया इंटू 5%। और कंपनी से गिफ्ट कितना मिलता है, 3600 पर लेग, 3 लेग है तो 3600 प्लस 3600 प्लस 3600, 10800 पॉइंट कंपनी से गिफ्ट मिल गया। तो टोटल एलपीबी पॉइंट 19710 इंटू 3 रुपया 59130 आपका एलपीबी इनकम, अदर इनकम 11745, आपका चेक 83150। और देखिए मजे की बात, आप एसीडी है, आपका 3 लेग ही है एलपीबी, लेकिन आपका डेप्थ आपने और बढ़ा दिया, एक के नीचे के नीचे, अभी आपका 3 जनरेशन हो गए आपको। अब देख रहे हैं, पहले आपका पुराना देखिए, आपको 2 जनरेशन था, आपके नीचे एसडी फिर डायरेक्टर, यहाँ पे क्या हुआ, एसडी फिर डायरेक्टर, एक जनरेशन बढ़ गया। एक जनरेशन बढ़ने से आपका इनकम मैजिक फिगर 1 लाख क्रॉस कर गया, सही है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन द डेप्थ, नीचे उतर के आपको डेप्थ में काम करना पड़ेगा, करेक्ट। आई नो थोड़ा हैवी टॉपिक है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, सीखना ही पड़ेगा, चाहे 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना पड़े,
सीखना पड़ेगा, मुझे भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी, सब समझ में आया। तो दोस्तों हमारा पर्पस था कि आपको आपका चेक कैसे कैलकुलेट हो ये बताएं, आपको ये बताएं कि आपका चेक 25,000 कैसे आएगा और आपका चेक 1,00,000 कैसे होगा। और आपको समझ में आ रहा है एवरी चेक इज, एवरी इनकम इज इम्पोर्टेंट, बट LPB इज द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ चेक इन योर पोर्शन ऑफ इनकम इन योर चेक, करेक्ट। तो अब मैं 10 मिनट पहले खत्म किया हूँ ताकि हम लोग खुल के जवाब सवाल करें। आप मुझसे खुल के जवाब पूछिए, मैं आपको आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। अभी आप चैट में मुझे बताइए क्या पूछना चाहते हैं, और मुझे जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। अगर टोटल कंफ्यूज है तो कुछ पूछना नहीं चाहते, कई लोग के सर में दर्द हो गया होगा तो डिसिप्लिन खा लो, कुछ उपाय नहीं है। लेकिन 1,00,000 कमाना है, डिसिप्लिन खा के भी 1,00,000 कमाना है, LPB भी कमाना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो कंपनी का प्रोग्राम आया जलवा, आप समझ नहीं पा रहे कितना पावरफुल प्रोग्राम है ये जलवा 23। क्या कर रहा है ये, हर लीडर को फोर्स कर रहा है कि आप अपना दुबई जाने के लिए PGBV करो। PGBV आता है जब वो आपके 16% लोगों को छोड़ के आता है। और याद रखना दोस्तों, लीडरशिप बोनस पॉइंट PGBV के ऊपर में हिसाब किया जाता है। एक होता है रोलर बीवी, एक होता है PGBV। अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बस सुन लो, PGBV पे आपका लीडरशिप पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इस महीने लोगों का शानदार PGBV होगा तो शानदार LPB पॉइंट होगा, तो जबरदस्त चेक आने वाला है, जबरदस्त जिन्होंने भी अपना LPB पॉइंट किया है, तो दुबई से PGBV बढ़ जाएगा। नंबर टू, कंपनी बोल रही है कि आप क्रूज के लिए 4 नए लोग को ज्वाइन कराओ, जो मई के बाद ज्वाइन किया, जो मई के बाद ज्वाइन किया तो आपका स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का LPB लैग बन गया 3600 का, क्योंकि वहां पर 3-3, 4-4 लोगों ने क्रूज के लिए क्वालिफाई किया। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको लाख रुपया कमाना है, अगर आपको गाड़ी चाहिए, अगर आपको लाइफ टाइम इनकम चाहिए, आंख बंद करके अपने टीम में हर डाउनलाइन लीडर को क्रूज और दुबई के अंदर लिंक मार, क्रूज का क्रूज, दुबई का दुबई, 1,00,000 का चेक। अल्टीमेटली अल्टीमेट मंजिल तो 1,00,000 है ना, अल्टीमेट मंजिल क्या कि हम 1,00,000 कमाएं। 1,00,000 वाला बोलता है हम 5,00,000 कमाएं, 5,00,000 वाला बोलता है हम 10,00,000 कमाएं, उसके आगे भी बात नहीं करते हम लोग, क्योंकि इस मीटिंग में कोई भी नहीं है जो 10,00,000 से ऊपर कमा रहा है, सब 10,00,000 के नीचे वाले हैं, करेक्ट। तो आपका कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। अच्छा आप लोग फिर पूछता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या, इनकम कैलकुलेशन, हाउ टू इंक्रीज योर चेक, 4 लेग में क्यों काम करें, क्योंकि अगर आपका PGBV नहीं होगा तो आपका टाइटल ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, 4 लेग जरूरी है, हर डाउनलाइन को एक्टिव करना जरूरी है, 100 PV पे फोकस करना जरूरी है, 100 PV शुड बी योर बेंचमार्क, 100 PV 10 तारीख के पहले करना जरूरी है। मत करो, आप नहीं करोगे आपका टीम वाला भी नहीं करेगा, आपका डाउनलाइन भी नहीं करेगा, अल्टीमेटली आपके टीम का परफॉर्मेंस मार खा जाएगा। जो लोग तेज गति से अपने टीम में हर टीम के मेंबर का 100 PV कराने में उसको हेल्प करते हैं, 10 तारीख के पहले कराते हैं, उनकी टीम का बहुत बहुत बढ़िया क्लोजिंग होता है, बहुत अच्छा क्लोजिंग होता है। क्योंकि 10 तारीख को जब आपको दिखेगा ना हाई PV, तो आपके पास 20 दिन होते हैं टू वर्क अपॉन दैट। लोग को जब अपने टीम में बिजनेस वॉल्यूम दिखता है तो उनका इंस्पिरेशन बढ़ जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्राइज मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, प्राइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अ विनिंग हैबिट आपकी टीम में डेवलप हो जाएगा, विनिंग हैबिट, और हैबिट, विनिंग हैबिट इज द रीजन ऑफ सक्सेस फॉर एवरी लीडर इन मोदी केयर, करेक्ट। अरे कोई सवाल हो तो पूछ लो, वरना 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 मीटिंग खत्म कर दूंगा। ये काम करता हूँ, मैं स्पॉटलाइट से निकल जाता हूँ हर दिन की तरह। भाई निजे स्वप्न के वास्तवे रूप दीते होले खूब ताड़ाताड़ी ए डेस्क्रिप्शन देवा फोन नम्बरे जोगाजोग करुन, एखन फ्री जॉइनिंग चलछे,
समस्त फुल सपोर्ट पाबेन। प्रत्येक चैनल के सबस्क्राइब करबें एवं आइकन बेलटी टिपबें जाते परवर्ती वीडियो पा जाए। प्रत्येक के नमस्कार।